एवरीबॉडी, हम देख रहे थे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, फिल्टर द ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग एयर टू द वाइंडिंग, टू अरेज द फ्लो ऑफ मॉइस्चर इन टू टैंक, एंड ऑप्शन डी है, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ऑयल इन द टैंक। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा, टू कंट्रोल द लेवल ऑयल लेवल इन अ ऑयल टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर मेजर्ड इन बिटवीन। जो इंसुलेशन टेस्ट होती है ट्रांसफार्मर की, वो किन के बीच में ली जाती है? ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ऑप्शन डी है हमारा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड अर्थ। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड अर्थ के बीच में इंसुलेशन टेस्ट ली जाती है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड इन। इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट हमेशा क्या होता है या किस में मेजर्ड किया जाता है? ओम में किया जाता है, बी मेगा ओम, सी मेगा ओम पर सेकंड, डी नन ऑफ द अबाउट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगा ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगा ओम में दिया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अगर हमने मेगर के साथ ली है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और मेगर इंडिकेट करता है जीरो रीडिंग, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेगर गिव्स जीरो रीडिंग इंडिकेट, मतलब उसका अर्थ हम क्या समझेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, शॉर्ट सर्किटेड इन वाइंडिंग, बी ओपन वाइंडिंग, सी क्लोज वाइंडिंग, एंड डी वाइंडिंग वर्किंग ऑन गुड वर्किंग कंडीशन। तो क्या समझेंगे? अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ली है हमें ट्रांसफार्मर की मेगर से और मेगर ने हमको जीरो रीडिंग दिया है, तो शॉर्ट सर्किटेड है वाइंडिंग में, ऑप्शन नंबर ए। इन ओपन सर्किट टेस्ट बोथ द प्राइमरी टर्मिनल कनेक्ट टू द बोथ एंड्स ऑफ द मेगर एंड मेगर इंडिकेट जीरो। अगर हमने ओपन सर्किट टेस्ट लेते हुए प्राइमरी के दोनों टर्मिनल को मेगर के एंड से कनेक्ट किया और हमें वो जीरो रीडिंग दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? वाइंडिंग इज ओपन, वाइंडिंग इज क्लोज और ओके, वाइंडिंग इज शॉर्ट, वाइंडिंग इज शॉर्ट विथ सेकेंडरी। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग इज क्लोज्ड और ओके, वाइंडिंग हमारी अच्छी है। अगर प्राइमरी को हमने मेगर से कनेक्ट किया बोथ द एंड, दोनों एंड को, और हमें जीरो रीडिंग मिलती है, तो वाइंडिंग हमारी क्या है? अच्छी है, वाइंडिंग इज ओके। इन ओपन सर्किट टेस्ट द वाइंडिंग शोज इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी अगर आती है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाइंडिंग इज ओपन और ब्रेक, वाइंडिंग इज क्लोज, वाइंडिंग इज शॉर्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? वाइंडिंग इज ओपन। अगर हम शॉर्ट ओपन सर्किट टेस्ट ले रहे हैं वाइंडिंग की और हमें इन्फिनिटी अगर रीडिंग आती है तो वाइंडिंग ओपन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर द। अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट किस लिए ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, वेयर द ट्रांसफार्मर टैंक इज प्रॉपरली अर्थ, बी चेक कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, सी चेक द लीकेज फ्लक्स, और नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट ली जाती है वेयर द ट्रांसफार्मर टैंक इज प्रॉपरली अर्थ। ट्रांसफार्मर की टैंक प्रॉपरली अर्थ की है या नहीं की है। नेक्स्ट, संपर टेस्ट, जो संपर टेस्ट की जाती है वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर, बी स्ट्रे लॉसेस, सी एडी करंट लॉसेस, एंड डी हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, संपर टेस्ट इज डन फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को काउंट करने के लिए हम संपर टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कोर आयरन से ही क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो देखेंगे हम ऑप्शंस, प्रोवाइड सपोर्ट टू द वाइंडिंग, रिड्यूस टू द हिस्टेरेसिस लॉस, सी डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, और फोर है डी रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो हमारा ऑप्शन है डिक्रीज द रिलक्टेंस टू द मैग्नेटिक पाथ, डिक्रीज द रिलक्टेंस टू द मैग्नेटिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। उपरोक्त में से कौन सा इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है हमारे
ट्रांसफार्मर का। तो ऑप्शन नंबर ए है कंजर्वेटर, बी ब्रीदर, सी बुकज रिले एंड फोर्थ है एक्साइटर। तो हमने देखा है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर भी रहता है, ब्रीदर भी रहता है, बुकज रिले भी होता है, लेकिन एक्साइटर नहीं होता है। एक्साइटर इज अ पार्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका जेल इज यूज इन ब्रीदर फॉर व्हाट पर्पज। सिलिका जेल ब्रीदर में किस चीज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोकिंग मॉइस्चर, बी बैलेंस ऑयल लेवल, सी प्योरिटी इन ऑयल एंड डी विस्कोसिटी टेस्ट इन ऑयल। तो हम सिलिका जेल क्यों यूज करते हैं ब्रीदर में, सोकिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को अरेस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर द हैश साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट करेंगे अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ले रहे हैं ट्रांसफार्मर की, तो हाई वोल्टेज, बी लो वोल्टेज, सी प्राइमरी साइड एंड डी सेकेंडरी साइड। तो लो वोल्टेज साइड। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसफार्मर व्हिच वाइंडिंग हैव अ मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सी, ऑप्शन नंबर सी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर, फ्रीक्वेंसी, करंट या वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है। वैसे देखा जाए तो करंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटीली ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर किसे बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग, बी इज ऑलवेज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सी इज ऑलवेज सप्लाई फ्लक्स टू द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी इज ऑलवेज सप्लाई फ्लक्स टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज अ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। कौन से वाइंडिंग को मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो किसको होंगे, ऑप्शन नंबर बी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश ट्रांसफार्मर अ प्राइमरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज। किस सिचुएशन में ये होता है, तो स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होता है, स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में, या फिर थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो इट्स हैपन इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, दिस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, इसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और नन ऑफ द अबव। तो इसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्योंकि ओनली वन वाइंडिंग इज देयर एंड टैपिंग निकालने की वजह से हम इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर बेनिफिशियल फॉर, ऑटो ट्रांसफार्मर किस चीज के लिए यूज होता है या फिर किस चीज के लिए ये बेनिफिट करता है हमें। ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम स्पेस, कम से कम स्पेस उसको लगती है, बी लेस कॉपर यूसेज, एक ही वाइंडिंग होने की वजह से कम कॉपर यूज करता है, सी ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग हाइयर इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी हाई होती है, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश, एडवांटेजेस ऑफ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। जो वाइंडिंग के कनेक्शंस होते हैं स्टार डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो उसमें हम देखेंगे कि डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है। इट वर्क्स विद द बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट द थर्ड हार्मोनिक, इट एनी वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज फेल नो प्रॉब्लम इन दिस मेथड। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर दिए हुए तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए सही है, इसलिए हमें ज्यादा बेनिफिशियल होता है। डैश इज द निगेटिव पॉइंट ऑफ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के। हमने एडवांटेजेस देखे उसके, ठीक है, अबव क्वेश्चंस में, तो अब इसका डिसएडवांटेज भी है, तो वो क्या है हमें ढूंढ के निकालना है। फर्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, बी हार्मोनिक प्रेजेंट इज मोर, सी नो न्यूट्रल पॉइंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो ड्रॉबैक होगा वो होगा नो न्यूट्रल पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने देखे 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। हमें ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज जो हमें बेनिफिट करेंगे हमारे आईटीआई के एग्जाम को, सीबीटी एग्जाम्स को, या फिर
इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड कोई भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स जो होंगे हमारे उसको तो लर्न कीजिए, सेफ रहिए, बाय।